1984 में दो फील्ड कर्मियों को इंग्लैंड के चेशायर के बाहर एक दलदल में एक शव मिला। अधिकारियों ने शव का नाम लिंडो मैन रखा और पाया कि उसे गंभीर चोटें लगी थीं, जिसमें कुंद आघात और गला घोटना शामिल था। लेकिन इस भयानक कहानी के बारे में सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि वे 2000 साल से अधिक पुराने शरीर से इन विवरणों को देख पाने में सक्षम थे। आमतौर पर सड़न के कारण कुछ हफ्ते पहले दफनाए गए शरीर पर इन चोटों का पता करना कठिन हो जाता है। तो ये लाश इतनी बढ़िया संरक्षित क्यों थी? सभी लाशें इस स्थिति में क्यों नहीं रहती? इन सवालों के जवाब 6 फीट जमीन के नीचे मौजूद हैं। हो सकता है कि यहाँ ये बहुत जीवंत ना लगे, लेकिन एक चम्मच मिट्टी में ग्रह पर मौजूद मनुष्यों की तुलना में अधिक जीव हैं। बैक्टीरिया और शैवाल से लेकर कवक और प्रोटोजोआ तक, मिट्टी पृथ्वी की 1/4 जैव विविधता का घर है और शायद मिट्टी के सबसे महत्वपूर्ण निवासी सूक्ष्म जीव हैं। कई 100 नैनोमीटर से बड़े जीव जो ग्रह के सभी मृत और मरने वाले कार्बनिक पदार्थों को विघटित करते हैं। सोचिए कि हम जंगल में एक सेब गिराते हैं, इसके मिट्टी के संपर्क में आते ही कीड़े और अन्य अकशेरुकी इसे तोड़ना शुरू कर देते हैं। वे जो खाते हैं उसमें से पोषक तत्व सोख लेते हैं और बाकी बाहर निकाल देते हैं। अपघटन का ये पहला चरण माइक्रोब के लिए परिदृश्य तैयार करता है। मौजूद खास माइक्रोब परिवेश पर निर्भर करते हैं, जैसे घास के मैदानों और खेतों में बैक्टीरिया अधिक पाए जाते हैं जो घास और पत्तियों के विघटन में माहिर होते हैं। लेकिन इस समशीतोष्ण जंगल में अधिक कवक हैं, जो जटिल लकड़ी की सामग्री को तोड़ने में सक्षम हैं। सेब के अवशेषों से अधिक भोजन पाने के लिए ये माइक्रोब एंजाइम छोड़ते हैं जो ऑक्सीकरण नामक रासायनिक प्रतिक्रिया को ट्रिगर करते हैं। ये कार्बनिक पदार्थ के अणुओं को तोड़ता है। खनिजकरण नामक प्रक्रिया में ऊर्जा, कार्बन और अन्य पोषक तत्व रिलीज करता है। फिर सूक्ष्म जीव कार्बन और कुछ पोषक तत्वों का उपभोग करते हैं, जबकि नाइट्रोजन, सल्फर, कैल्शियम और अन्य अणु मिट्टी में रह जाते हैं। कीड़े जितना सेब खाते हैं, वे इन माइक्रोबियल एंजाइमों को ऑक्सीकरण और खनिज बनाने के लिए उतना सतह क्षेत्र प्रदान करते हैं। उनके द्वारा छोड़ा गया उत्सर्जन का भी माइक्रोब खनन करते हैं। ये सेब के पूरी तरह से नष्ट हो जाने तक जारी रहेगा। इस प्रक्रिया में समशीतोष्ण जंगल में 1 से 2 महीने लगेंगे। गर्म और गीले परिवेश ठंडे और शुष्क स्थानों की तुलना में अधिक तेजी से विघटन के लिए माइक्रोब का ज्यादा समर्थन करते हैं और कम जटिल कार्बनिक पदार्थ तेजी से टूटते हैं। लेकिन पर्याप्त समय दिए जाने पर सभी कार्बनिक पदार्थ सूक्ष्म खनिज पोषक तत्वों में बदल जाते हैं। इन अणुओं के बीच परमाणु बंधन इतने मजबूत होते हैं कि वे और भी टूट नहीं सकते। इसके बजाय ये पोषक तत्व पौधों के जीवन को पोषण देते हैं, जो अधिक भोजन उगाते हैं, जो अंततः विघटित हो जाएगा। निर्माण और विघटन का ये निरंतर चक्र पृथ्वी पर सभी जीवन का समर्थन करता है। लेकिन इन बहुप्रतिभाशाली माइक्रोब के लिए कुछ वातावरण बहुत प्रतिकूल हैं, जिनमें चेशायर इंग्लैंड के बाहर पीट बॉग्स भी शामिल हैं। पीट बॉग्स ज्यादातर अत्यधिक अम्लीय स्पैग्नम मॉस से बने होते हैं। ये पौधे क्षेत्र को पोषक तत्वों से वंचित करते हुए मिट्टी को अम्लीय बनाते हैं और नाइट्रोजन बांधने वाला यौगिक भी छोड़ते हैं। ठंडे उत्तरी यूरोपीय तापमान के साथ साथ ये स्थितियाँ अधिकांश माइक्रोब के लिए कार्य करना असंभव बना देती हैं। विघटन के लिए कुछ भी नहीं होने के कारण ऑक्सीजन को रोकते हुए मृत काई दलदल में जमा हो जाती है। परिणाम एक स्वाभाविक रूप से सील बंद प्रणाली है। जो भी कार्बनिक पदार्थ पीट बॉग में प्रवेश करता है, वो लिंडो मैन की तरह वहीं बैठ जाता है। दलदल का एसिड हड्डी जैसी अपेक्षाकृत सरल सामग्री को घुलाने के लिए पर्याप्त मजबूत था और त्वचा और अंगों जैसे अधिक जटिल ऊतकों को बिल्कुल काला कर देता था। लेकिन लाश इतनी अच्छी तरह से संरक्षित है कि हम ये तय कर सकते हैं कि वो स्वस्थ था, 21 साल का था और शायद अमीर था, क्योंकि मेहनत के कुछ लक्षण ही हैं। हम लिंडो मैन के अंतिम भोजन के बारे में भी जानते हैं, जो जली हुई रोटी का अभी तक न पचा हुआ टुकड़ा था। मौत की परिस्थितियों के बारे में विद्वान पक्का नहीं है, जबकि निर्मम हत्या की संभावना है। उसकी चोटों की सीमा एक अनुष्ठानिक बलि का संकेत देती है। 2000 साल पहले भी इस बात के प्रमाण हैं कि दलदल अपने लगभग अलौकिक गुणों के लिए जाना जाता था। एक ऐसी जगह जहां आपके पैरों के नीचे की मिट्टी बिल्कुल मृत या जीवित नहीं थी। इन वीडियो के साथ सीखते रहें और सब्सक्राइब करना न भूलें। कुछ नया सीखने का मौका कभी न चूकें।